ओझा, आज तमाम विधायक दलों की बैठक तमाम पार्टियां बुला रही है अपना अपना गणित बिठाने के लिए, अपनी अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए। आरजेडी बुला ही रही है, इधर कांग्रेस भी विधायक दल की बैठक बुला रही है, उधर बीजेपी ने भी सभी विधायकों को तलब कर दिया है, लेकिन जेडीयू की अभी आज कोई बैठक कोई प्रस्तावित नहीं है, अभी इस तरह की कोई खबर आई नहीं। क्या यह भी कोई संदेश कोई संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और साथ में बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक है। और दूसरी बात जो जेडीयू की है, आज नीतीश कुमार ने आज प्रोग्राम रखा है, आज वो डुमराव जा रहे हैं जहां पे पहले से जो उनका कार्यक्रम था वहां पर वो बाबा परमेश्वर नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम हुआ है वो काम करेंगे और करीब 1:30 बजे वो पटना वापस लौटेंगे और उसके बाद वो बैठक करेंगे। लेकिन जो विधायक दल की बैठक की बात आप कर रही है तो विधायक दल की बैठक कल 10 बजे दिन में नीतीश कुमार ने बुलाई है जो मुख्यमंत्री आवास में होगी। तो विधायक दल की बैठक कल वो कर रहे हैं कि आज शाम में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उसके बाद जैसा सौरभ ने भी बताया कि वो समर्थन पत्र जो है आज ही रात में नीतीश कुमार को दे दिया जाएगा और जिसके बाद कल विधायक दल की बैठक करने के बाद जैसा 2022 में नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल को जाकर पहले अपना इस्तीफा दिया था और उसके तुरंत बाद उन्होंने जो समर्थन पत्र है वो देकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। कमोबेश वही तस्वीर एक बार फिर कल देखने को मिलेगी जब विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार जाएंगे राजभवन में और उसके बाद देखिए आज जो बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसमें सिर्फ बीजेपी के विधायकों को ही नहीं बुलाया गया है बल्कि विधान परिषद के सदस्यों, सांसदों और कार्य समिति जो बिहार राज्य कार्य समिति के करीब 38 मेंबर हैं उन सभी को उस बैठक में बुलाया गया है और उस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा और बीजेपी को सिर्फ ये डिसाइड करना है कि उनके जो 2 डिप्टी CM होने हैं वो दो डिप्टी CM कौन होंगे। देखिए ये तय हो चुका है कि बीजेपी सरकार में जा रही है, तमाम विरोध के बावजूद बिहार प्रदेश के नेताओं ने ये विरोध किया था कि वो नहीं जाएं, लेकिन इसके बाद आलाकमान के बाद ये तय हो चुका है कि बीजेपी सरकार में शामिल होगी। अब सिर्फ पेच दो जो राय सुमारी बीजेपी के अंदर जो देना है, जो विनोद तावड़े 2:30 बजे जो पहुंचेंगे और बैठक में जो शामिल होंगे तो सिर्फ अब 2 जो डिप्टी CM होंगे वो कौन होंगे इसके नाम का तय करना है। बाकी सारे आज कुछ तय हो चुका है, राय सुमारी ली जा चुकी है और बैठक के बाद जो समर्थन का पत्र है वो आज ही रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया जाएगा। कल 10 बजे विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार ने के बुलाई है और जैसा 2022 में अगस्त के महीने में हुआ था कि वो विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और उसके बाद वो राजभवन जाते हैं अपना इस्तीफा देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कोई मौका विपक्ष आरजेडी को नहीं देना चाहते हैं ताकि उस गैपिंग का फायदा आरजेडी ले, क्योंकि इतना जितनी संख्या का समर्थन इनके पास है वो बहुमत से ज्यादा है और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई कमी होगी। तो लिहाजा नीतीश कुमार कोई मौका नहीं देंगे और राजभवन में जाके अपनी इस्तीफा और समर्थन का पत्र दोनों देंगे और उसके बाद हो सकता है कि कल ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी जो है कल ही संपन्न करा लिया जाए। तो ये एक पूरी स्ट्रेटजी चल रही है जो पिछले कई दिनों से चल रही थी और उस पर लगभग मोहर लग चुकी है। तो ये संशय कम से कम दोनों पार्टियों में नहीं है, हालांकि बाहर में बहुत कुछ क्लियर नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अगर हम दोनों पार्टी की बात अगर करें तो जो NDA गठबंधन है उनके तमाम जो दल हैं उनके बीच सब कुछ जो है स्पष्ट है, क्लियर है।